हुकूमत गिराने का मिशन, मुलाकातें तेज तर। शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए। काफ लीग सदर एतमाद पर तावुन मांगेंगे। जीडीए के आरिफ जतोई और शहरियार महर से आधे घंटे तक तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, निजी अस्पताल में चेकअप। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। साबिक सदर की आज सिराजुल हक से मुलाकात शेड्यूल थी। इशारे मिल रहे हैं खेल खत्म हो चुका। आदम एतमाद के लिए पीडीएम की फरीक जमातों का जरगा बुलवा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी भी तहरीक आदम एतमाद चाहती है। जमहूरी तरीके के साथ तब्दीली की बात की जाए, रियासत के अंदर रियासत ना बनाई जाए। आदम एतमाद वो लाते हैं जिनकी कमर में दर्द ना हो। हमारा कंटेनर खाली पड़ा है, पीडीएम किराए पर ले सकती है। फवाद चौधरी के मंडी बहाउद्दीन से वार, बोले हालात सही होते हैं चूहे निकलकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मौलाना फजल रहमान ने इन पार्टियों को हैक करके छोटा कर दिया। फर्रुख हबीब बोले ऑपोजिशन परेशान है, इंतखाबात वक्त पर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए री पोलिंग का वक्त खत्म। 500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले गए। सब नजरें डीआई खान मेयर की नशस्त पर। उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पिशावर, चारसद्दान और शहरा, खैबर, मोमिन समेत दीगर अजला में भी री पोलिंग। पहले मरहले में हंगामा आरई उम्मीदवारों की वफात के बाद पोलिंग रोकी गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।